सब्लाइम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो विषय है वो है भारतीय शिक्षा का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। और उसमें हम देखेंगे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917-1919, जिसको हम सैडलर आयोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। सैडलर कमीशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, और ये सैडलर आयोग क्यों है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न यही बन जाता है। तो माइकल एर्नेस्ट सैडलर, इन्हीं की अध्यक्षता में ये आयोग बनाया गया था, इसीलिए इसको हम सैडलर कमीशन या सैडलर आयोग के नाम से जानते हैं। सैडलर आयोग का गठन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर सैडलर के नेतृत्व में किया गया था। इस आयोग में दो भारतीय भी थे, तो ये प्रश्न एक बार आ चुका है कि जो सैडलर आयोग है उसमें कौन से दो भारतीय थे। प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि आपको दो दो नाम दिए हुए थे हर ऑप्शन में, तो आपको मैचिंग करानी थी कि कौन से दो नाम थे। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, सैडलर तो महत्वपूर्ण है ही, आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, जो कि इस जो आयोग में सदस्य थे। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर भी अपना मत प्रस्तुत किया था। तो स्नातकोत्तरीय का मतलब जो भी पीजी कोर्सेज हैं, है ना, ग्रेजुएशन के बाद हम पीजी करते हैं, तो उस पीजी कोर्स के बारे में भी काफ़ी कुछ अपनी राय इन्होंने व्यक्त की, और इसीलिए शायद ये ज़्यादा फेमस हो गया, क्योंकि अभी तक जो भी बातें हो रही थी वो पीजी कोर्सेज के लिए कम हो रही थी, सिर्फ ग्रेजुएट लेवल पर काफ़ी जोर दिया जा रहा था। तो अगर हम थोड़ी और बातें करें कि 1913 जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया था, जिसको हम गोखले बिल के नाम से भी जानते थे, उसके बाद शिक्षा नीति 1913 बनी थी, और उसमें शिक्षा संबंधी सरकारी प्रस्ताव में प्राथमिक माध्यमिक इस पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं एक गैप बन रहा था जिसपे हम उच्च स्तरीय शिक्षा पर बात नहीं कर पा रहे थे। तो उच्च शिक्षा की उन्नति और विस्तार के लिए अनेक सुझाव उसमें भी दिए गए थे, लेकिन व्यवस्थित तरीके से नहीं दिए गए थे। तो इन विचारों को व्यवहारिक रूप से कैसे प्रस्तुत करना है, शिक्षाविदों की कैसे एक आपस में एक समविश्व सम्मति बन पाए कि हाँ भाई हम इस तरीके से एक व्यवस्थित पीजी कोर्स को लॉन्च करें, और एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का भी प्रस्ताव रखा गया, भाई एक शिक्षा आयोग नए रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो कमी जो है वो उसको पूरा करना था, उसको व्यवस्थित करना था। तो 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो उपकुलपति थे आशुतोष मुखर्जी, जो नाम आप देख रहे हैं डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, इन्होंने स्नातकोत्तर विभाग की स्थापना की, और इस विभाग की स्थापना करके उन्होंने एक नवीन प्रयोग किया और सोचा कि आगे इसी के हिसाब से हम पीजी कोर्सेज को और जो भी विश्वविद्यालय में कार्य होने हैं उसको व्यवस्थित किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब कोई कुलपति इस तरीके काम करेगा तो सरकार भी उस तरफ देखेगी। और फिर आते हैं माइकल अर्नेस्ट सैडलर, जिनकी अध्यक्षता में आयोग बनाया जाता है, और आगे देखते हैं कि क्या इसमें विशेष था। स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की क्षमता की जांच करने के लिए 14 सितंबर 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई। बार बार ये नाम आता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, किसका, आयोग का, कहीं ना कहीं ये जो कमियां रह गई थी कलकत्ता विश्वविद्यालय में, क्योंकि कलकत्ता में, चेन्नई में, यहाँ पहले ही वुड के जो डिस्पैच 1854 में हुआ था, उसके बाद 3 विश्वविद्यालय बन चुके थे, उसमें जो कमियाँ थीं, क्योंकि वो लंदन के विश्वविद्यालय के हिसाब से बनाए गए थे, और लंदन विश्वविद्यालय में टाइम टाइम पर जो है परिवर्तन किए जाते थे, और कहीं ना कहीं वो लंदन के हिसाब से थे, तो यहाँ के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डिफरेंट रखना ही पड़ेगा लंदन से। तो वही चीज़ यहाँ पे अब कलकत्ता विश्वविद्यालय में कमियाँ दिख रही थी, जिसको हम पूरी तरीके से अच्छे व्यवस्थित करने के लिए सैडलर आयोग लाते हैं और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से इसको बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी विश्वविद्यालयों का इससे कोई लेना देना नहीं है, है, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो फोकस था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग से था। इस आयोग का अध्यक्ष जो थे वो माइकल थॉमस नहीं, माइकल अर्नेस्ट सैडलर थे, इसमें गलत लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में मैंने नाम लिखा था लाइक माइकल सैडलर, याद कर लीजिए आप लोग। तो वो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, अतः उनके नाम पर इस आयोग का नाम भी सैडलर आयोग हो गया। और आयोग की जांच का विषय कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति एवं आशाओं की जांच करना
और इससे संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए रचनात्मक नीति पर विचार करने का सुझाव देना था। सैडलर आयोग, सैडलर आयोग ने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की। 1904 का मतलब ये बात कर रहे हैं लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का, जिसको हम रैले कमीशन के नाम से भी जानते हैं, है ना। वीडियो आप लोग उम्मीद है देख चुके होंगे ये वाला। तो 1904 में जो विश्वविद्यालय अधिनियम आया वो कड़े शब्दों में निंदा की होता यही है। आप लोग जानते हैं ना, जो नया आयोग बनता है वो पुराने आयोग की अक्सर बुराई ही करता है, क्योंकि वो कहता है भाई हम जो बनाने जा रहे हैं ना ये बढ़िया मॉडल लाएगा, पुराना वाला मॉडल खराब था। जबकि कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कर्जन की जो है शिक्षा नीति महत्वपूर्ण मानी जाती है और वुड का डिस्पैच महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन भाई जो आदमी काम नया करेगा तो वो पुराने की निंदा करेगा, कमी बताएगा, तभी तो नया आयोग बनेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1904 की निंदा की और इंटर और उत्तर माध्यमिक परीक्षा को माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के मध्य विभाजन रेखा मानना चाहिए, इन्होंने कहा। और स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष होना चाहिए, इन्होंने ये कहा कि स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। जहां तक आप लोग कहते हैं ना कि कक्षा 10 यानी कि हाई स्कूल और कक्षा 12 यानी कि इंटर, तो इसी हिसाब से इन्होंने क्लास 12 तक उसको दिखाने का प्रयास किया। ऐसी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का सुझाव दिया जो इंटरमीडिएट महाविद्यालय कहलाएंगे। ये महाविद्यालय चाहे स्वतंत्र रहें या फिर हाई स्कूल से जुड़े हों। मतलब आजकल आप लोग मोस्टली देखेंगे कि जो डिग्री कॉलेजेस होते हैं उसका इंटर कॉलेज और हाई स्कूल से कोई जुड़ाव नहीं होता है, लेकिन पहले वो चाहते थे कि इंटर और हाई स्कूल और डिग्री कॉलेज ये आपस में जुड़े हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन संस्थाओं के प्रशासन के लिए माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्माण की भी सिफारिश की गई। तो माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी सैडलर आयोग ने थोड़ा बहुत बताया है। मुख्य फोकस इनका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग पर था, लेकिन फिर भी इन्होंने माध्यमिक शिक्षा को जोड़ा है। क्यों जोड़ा है अभी बताते हैं आपको। इंटरमीडिएट के बाद स्नातक स्तर की शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों को यह सुझाव दिया गया कि ये बहुत सख्त नियम न बनाए। कलकत्ता विश्वविद्यालय के भार को कम करने के लिए आयोग ने ढाका में एकाकी विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया। ढाका का मतलब बांग्लादेश आज के समय में, उस समय नहीं, उस समय मतलब ये बात किस बात की हो रही है, 1919 की बात हो रही है, 1917 और 1919 के बीच की बात हो रही है। तो ढाका उस समय बांग्लादेश, उस समय भारत का एक हिस्सा था। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कलकत्ता विश्वविद्यालय बनाए वहाँ से ढाका में भी एक एकाकी विश्वविद्यालय होना चाहिए। आयोग में ढाका और कलकत्ता विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षा विभाग भी खोलने की सलाह दी। आयोग ने व्यवसायिक कॉलेजों को खोलने की सलाह दी। व्यवसायिक मतलब जहां MBA वगैरह हो सकें, जहाँ तक कि लोग बिजनेस से संबंधित भी चीज़ें सीख सकें, किस तरीके से कार्य होता है उसमें। सैडलर आयोग के सुझाव पर उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई। तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो सुझाव के रूप में बताया गया, तो इतना महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगता यहाँ पर है, क्योंकि और भी पहले बोर्ड बनाने का प्रयास किया गया होगा, लेकिन एग्जैक्टली जब सैडलर आयोग ने बोला उसके बाद ही ये सेकेंडरी एजुकेशन बन गया, ऐसा हुआ, इसलिए सैडलर आयोग इससे जुड़ा हुआ माना जा रहा है। आयोग की अगर हम सिफारिशों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा का मुख्य आधार मानकर उसके संबंध में निम्न सुझाव दिए। विश्वविद्यालयों में केवल इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। तो मुझे अजीब सी बात लग रही है भाई, जो इंटरमीडिएट में पास होगा उसी को प्रवेश मिलेगा। जाहिर सी बात है आज भी यही होता है, जो इंटर पास होता है वही डिग्री कॉलेज में जाता है। लेकिन फिलहाल इन्होंने, हो सकता है उस समय ऐसा होता हो कि इंटर पास नहीं होंगे तो भी वो चले जाते होंगे, तो इन्होंने सुझाव दिया तो इसका मतलब कोई ना कोई परिवर्तन जरूर हुआ होगा। स्नातकों का पाठ्यक्रम 3 वर्ष कर दिया जाए और इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालय से पृथक कर दिया जाना चाहिए। मतलब मैंने विभाजन रेखा की बात कही ना कि भाई उसे विभाजित करिए, तो विश्वविद्यालयों को अलग करिए और जो इंटर तक कॉलेज चल रहे हैं उनको अलग करने की बात कही गई। किसमें? सैडलर कमीशन में। इंटरमीडिएट की शिक्षा के लिए पृथक इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिग्री कॉलेज से अलग होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटर कॉलेज तक वो कह रहे हैं कि ये एक स्कूली शिक्षा है। भले ही आप इंटरमीडिएट को कॉलेज कहते हैं, लेकिन वो डिग्री कॉलेज से अलग होकर एक स्कूल तक ही सीमित करने की बात कही जा रही है।
माध्यमिक शिक्षा में आगे है, इंटरमीडिएट कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं होना चाहिए, अच्छी बात है। प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। तो प्रत्येक प्रांत में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा बोर्ड का निर्माण हुआ सैडलर कमीशन के सुझाव के बाद, तो इनका कहना था कि प्रत्येक प्रांत में ऐसा होना चाहिए। माध्यमिक स्कूलों और इंटरमीडिएट कॉलेजों के नियंत्रण तथा निरीक्षण कार्य उक्त बोर्डों को सौंप देना चाहिए। जो बोर्ड इंटरमीडिएट शिक्षा के बोर्ड बनेंगे उनका निरीक्षण कौन करेगा, मतलब जो इंटरमीडिएट कॉलेज होंगे उनका निरीक्षण कौन करेगा, इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड जो हर प्रांत में बनाए जाएंगे। अब बात आती है कलकत्ता विश्वविद्यालय की। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय को बिल्कुल अलग मानक से प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय पूरे देश में एक यूनिक होना चाहिए, बाकी विश्वविद्यालय भी अच्छे हैं उनके अलग नियम होने चाहिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय का बिल्कुल अलग नियम होना चाहिए। क्या कहा इन्होंने कि ढाका में आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय की शीघ्र स्थापना की जानी चाहिए। ढाका मतलब ये है कि इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की तरह ही एक और बनना चाहिए जो कि आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय हो, जहां लोग रह सकें। आज तो लोग रहते हैं वहीं पढ़ते हैं क्योंकि वहां पे उनको हॉस्टल मिलता है, तो उसी तरीके से उन्होंने आवासीय शिक्षण की शुरुआत करने की बात कही। तो कहीं ना कहीं अगर ये प्रश्न आता है कि आवासीय शिक्षण जो विश्वविद्यालय की बात कही गई थी तो वो किस आयोग से संबंधित है, तो आप बताएंगे कि सैडलर आयोग ने कहा था कि आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय बनने चाहिए। कलकत्ता नगर के सभी कॉलेजों को इस प्रकार संगठित किया जाए कि एक शिक्षण विश्वविद्यालय का निर्माण हो सके। तो इन्होंने कहा कि एक शिक्षण विश्वविद्यालय का निर्माण हो सके, कहने का आशय है जो महाविद्यालय थे वहां शिक्षण कार्य हो रहा था, जो विश्वविद्यालय थे वो सिर्फ नियम कानून बताते थे। तो वो कह रहे हैं कि सब लोग मिलकर ऐसा माहौल बनाओ और विश्वविद्यालय के अंतर्गत विश्वविद्यालय में भी शिक्षण कार्य हो और महाविद्यालय में भी सेम टाइप का ही शिक्षण कार्य हो सके। उसके बाद बात करते हैं कलकत्ता नगर के समीपवर्ती कॉलेजों का संगठन इस दृष्टि से किया जाए कि उपयुक्त स्थान पर नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए। तो उन्होंने कहा है कि जो आसपास के कॉलेज हैं कलकत्ता शहर में या कलकत्ता के आसपास के क्षेत्र में, उनको जोड़कर एक यूनिवर्सिटी के रूप में कह दिया जाए, कि मतलब ये कहा जाए कि ये महाविद्यालय नहीं है, ये क्या है, ये भी यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है और इसमें ये कार्य होता है। दूसरा कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी का दूसरा पार्ट है, उसमें वो कार्य होता है। जैसे कभी कभी आप क्या कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस है, वो दूसरा कैंपस है, इस तरीके से यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया। अब इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों के बारे में क्या कहा उस पर चर्चा कर लेते हैं। विश्वविद्यालयों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त होकर अधिक स्वतंत्रता का उपयोग करना चाहिए, अच्छी बात है। ये तो फिलहाल जो है हमारे और जो इससे पहले आयोग बने थे उसमें भी कई लोगों ने कहा था, लेकिन जो हमारे कर्जन थे उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालयों को सरकार के नियंत्रण में रहना चाहिए, वहीं पे सैडलर क्या कह रहे हैं, सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो जाना चाहिए। उसके बाद है विश्वविद्यालयों में पास कोर्स के अलावा ऑनर्स कोर्स का भी प्रचलन किया जाना चाहिए और स्नातकों का पाठ्यक्रम 3 वर्ष किया जाना चाहिए। देखिए पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया, सैडलर कमीशन ने दिया। ये प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न मैंने देखा था पीजीटी का एक कोई पेपर था उसमें पूछा गया था कि कौन सा जो आयोग था उसने पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स की शुरुआत करने का सुझाव दिया था। इसके बाद देखते हैं विश्वविद्यालयों में कृषि कानून, डॉक्टरी अध्यापन, इंजीनियरिंग आदि की शिक्षा उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। ये तो एक कॉमन सुझाव है, जाहिर सी बात है कोई भी आयोग कहेगा कि भाई जो भी व्यवस्था चल रही है उसमें आप अच्छी व्यवस्था करें, जो भी पढ़ाई का काम चल रहा है। उसके बाद विश्वविद्यालयों में अरबी, फारसी, संस्कृत के अध्ययन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। अगला है छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में शारीरिक प्रशिक्षण का संचालक, यानी कि एज ए पीटी जो टीचर होते हैं उनकी बारे में बात हो रही है कि भाई एक डिग्री कॉलेज में भी एक इसी तरीके से जो हमारे फिजिकल टीचर होते हैं वो होने चाहिए हर डिग्री कॉलेज में। उसके बाद बात है कि विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों तथा रीडरों की नियुक्ति एक विशिष्ट चुनाव समिति द्वारा की जाए और इस समिति में शिक्षा के बाह्य विशेषज्ञों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। मुसलमान छात्रों को उनकी शिक्षा पिछड़ी होने के कारण विशेष सुविधाएं देकर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों के आंतरिक प्रशासन के लिए सीनेट के स्थान पर प्रतिनिधि सभा और सिंडिकेट के स्थान पर कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाना चाहिए। तो जब हमने इससे पहले कर्जन वाला देखा था तब कर्जन में सीनेट और सिंडिकेट का जो है प्रावधान बताया गया था,
ऐसे ही सैडलर ने कहा कि सीनेट की जगह प्रतिनिधि सभा होनी चाहिए और सिंडिकेट की जगह कार्यकारिणी परिषद होना चाहिए। शैक्षिक कार्यों जैसे परीक्षा, शोध यानी कि रिसर्च या और एग्जाम की बात हो रही है, उसके बाद सिलेबस की बात हो रही है, इसके लिए एकेडमिक काउंसिल का एक गठन होना चाहिए कि किस तरीके से ये सारे प्रोग्राम पूरे किए जाएं। स्त्री शिक्षा के संबंध में आयोग ने सिफारिश की, जो बालिकाएं 15-16 वर्ष की अवस्था तक बालकों से पृथक शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, उनके लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्पेशल बोर्ड ऑफ वीमेन्स एजुकेशन की स्थापना की जानी चाहिए और इस बोर्ड का कार्य स्त्रियों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम तैयार करना, महिला कॉलेजों में अध्यापन की व्यवस्था करना तथा अध्यापिका प्रशिक्षण एवं चिकित्सा शिक्षा की भी उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने स्पेशल बोर्ड ऑफ वीमेन्स एजुकेशन, ये जो नाम आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसका सुझाव दिया, ये होना चाहिए ताकि जो भी कोर्सेस चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक महिला, जो जाहिर सी बात है कई लोग, आज का भी माहौल जो है वो ऐसा ही है कि जल्दी लोग नहीं भेजते हैं बड़ी शिक्षा के लिए, तो इसके लिए सेपरेट होना चाहिए कि भाई चिकित्सा शिक्षा अगर दी जा रही है तो एक महिला के लिए इस अलग से पढ़ाई की व्यवस्था हो। अब हम बात करते हैं विश्लेषण की कि आखिर सैडलर कमीशन में किस प्रकार के जो परिवर्तन किए गए उससे क्या क्या हुआ और क्या क्या होना चाहिए था। सैडलर विश्वविद्यालय के आयोग के सुझाव के कारण विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। देश में कई नए विश्वविद्यालय खोले गए, इसमें पटना, उस्मानिया, अलीगढ़, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, नागपुर, हैदराबाद, अन्नामलाई विश्वविद्यालयों का उल्लेख किया गया है। 1930 के भीतर लगभग जो विश्वविद्यालय थे उनकी संख्या 30 तक पहुंच गई, मतलब 3 कॉलेज थे और 30 हो गए, आप सपोज करिए, क्योंकि सैडलर कमीशन चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा विश्वविद्यालय बने और उसमें भी शिक्षण कार्य हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉलेज मैंने लिखे हैं, पटना, उस्मानिया, अलीगढ़, एमयू, बनारस यूनिवर्सिटी, जहाँ ऐसे बनारस यूनिवर्सिटी ने लिखी है वो भी इसी में ही आएगी, क्योंकि वो उससे पहले बन चुकी थी 1917 या 1920 के बीच में बनी थी, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद आ रही है। तो आप एक काम करिएगा, अगर आप लोग थोड़ा सा चाहते हैं कि और भी परफेक्ट थोड़ी सी तैयारी हो सके, तो जितने मैंने यहाँ पे लिखे हैं और बनारस यूनिवर्सिटी का भी, सबके जो भी ईयर हैं वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नहीं याद है गूगल से सर्च करके दीजिएगा, आपका भी फायदा हो जाएगा और जो लोग सर्च कर रहे होंगे उनका भी फायदा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित पहले 3 विश्वविद्यालयों के कार्य संबद्धता परीक्षा और डिग्री प्रदान करने तक सीमित नहीं रहे। शिक्षण डिग्री कॉलेजों का कार्य था और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए कोई प्रावधान ही नहीं था। पहले हमारे यहाँ प्रावधान था ही नहीं स्नातकोत्तर पढ़ने के लिए, इसके लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन आयोग की सिफारिश के बाद शिक्षण विश्वविद्यालयों और आवासीय विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ गई और पीजी के लिए भी वहां पर ये बात कहने लगे कि भाई पीजी भी जो है भारत में होना चाहिए, स्नातकोत्तर भारत में होना चाहिए। तो ये सारे विश्लेषण कहीं ना कहीं फायदेमंद रहे। इस आयोग में जो भी सुझाव दिए गए 1917 में शुरुआत की गई और 1919 तक सारा प्रोग्राम जो भी सुझाव थे वो सरकार के सामने प्रस्तुत करके इसे पारित किया गया। आज के विषय में फिलहाल इतना ही है, जल्दी ही हम आपको मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू।